हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुवारी चुड़ैल की एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं बदलापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जो छोटी सी भूतहा कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ, वो मेरी आंखों देखी सच्चाई है, जिसकी सिर्फ याद ही आज भी मेरे दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। तो वह भूत घटना कुछ इस प्रकार है। मेरे 12वीं एग्ज़ाम सिर पर थे और अचानक पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के हालात बिगड़ गए थे। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। उस रात को सभी ऑटो वाले घर चले गए थे, सिर्फ मैं अकेला ही भयानक सन्नाटे में ऑटो स्टैंड पर अगली सवारी आने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह ही कीमती था। इसलिए मैं ऑटो में आगे की सीट पे बैठकर नोट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे एक नशीली महकने वाली अपनी तरफ यानी कि और आकर्षित कर लिया। वह महक कहाँ से आ रही है, यह जानने के लिए ऑटो से बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी मुझे पीछे से एक कोमल आवाज़ आई, बदलापुर गांव चलिए प्लीज़। अचानक से आने वाली इस आवाज़ से मैं चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो ऑटो में एक सुंदर सी सजी धजी लड़की बैठी थी। मैंने उससे पूछा, आप अंदर आकर कब बैठी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने पैरों की तरफ देखी जा रही थी। मैंने भी आगे पूछा और तुरंत स्टार्ट करके गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैंने एक बात गौर किया था, जब से वो लड़की रिक्शा में बैठी थी तब से मुझे गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलते चलते मेरे सामने वाली आईने पर जब मेरी नज़र पड़ी तब मुझे दिखा कि वह लड़की एकटक मुझे घूर रही थी। फिर मैंने आईने से नज़र हटा के रोड पर टिका दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शा में अचानक कहीं से सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी, इतनी कि मुझे घुटन होने लगी, सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। उस वक्त फिर एक बार मेरी नज़र आईने पर पड़ी और उसमें देखने वाले उस भयंकर और विकृत नज़रों में से मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आईने में जो लड़की मुझे दिख रही थी वह एक दुल्हन के जोड़े में थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिसमें से मांस के लोथड़े लटक रहे थे। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि अपनी चलती ऑटो का हैंडल छोड़कर सड़क पर ही कूद गया। उसके बाद सुबह जब मेरी आंखें खुली तब मैं गांव के दवाखाने में लेटा हुआ था। पास में मेरी माँ और कुछ गांव के बुजुर्ग बैठे थे। मेरे सिर में 4 टाके लगे थे और बाकी सभी मामूली चोटें लगी थीं। सिर पर गहरी चोट लगने से शायद मैं बेहोश हुआ था और जब मेरे मन में रिक्शे के बारे में कुछ बात आई तो लोग पूछने लगे, उल्टा मुझे सवाल करने लगे, तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर पड़े मिले थे तो तुम्हारा ऑटो दूर
उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था। ये खबर सुनने के बाद मैं दंग रह गया। उस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं था, पर उस खौफनाक चुड़ैल के बारे में मैंने सबको बता दिया। माँ भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मेरा बेटा एक चुड़ैल के चंगुल से सही सलामत बच के निकल गया। जाते जाते सभी गांव के लोग बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए जिंदा हो। वह एक कुंवारी ही मरी थी। भयानक चुड़ैल है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुंवारे लड़कों का शिकार करती है। कुंवारी चुड़ैल की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और खैर, अब हम चलते हैं। आज की स्टोरी लगा कुछ शॉर्ट है। ठीक है यार, चलो हो जाता है, कभी कभी बन जाता है थोड़ा शॉर्ट, लेकिन ठीक है। चलो जो चलते हैं अब, रात के 3 बजे क्या एडिटिंग करेंगे, सुबह कर लेंगे, या हो सके तो अभी एडिट करके डाल देते हैं। ठीक है, चलते हैं, बाय, स्वीट ड्रीम्स, टाटा।